कि ओठ पर ओठ लाली हो लेकिन पैर में जो ब्यार है वो देखने का काम कोई नहीं करता है। मैं वो पैर दिखा रहा हूँ जहाँ पर ब्यार फटा हुआ है, जहाँ पर कमी है, जहाँ पर मलहम की जरूरत है, जहाँ पर मर्म की जरूरत है। लेकिन दीवाल गिर जाएगा और गिरने के बाद इसमें चप के मर सकती हैं। तो ये पूरे परिवार इसी में रहते हैं। आप आन करके कम से कम ऐसे ऐसे इलाकों को देखिए। और जो सुदूरवर्ती इलाका है, कहा गया है कि से देश की आत्मा गांवों में बसती है। तो ये गांव की जो बस्ती है, जो अभी भी मिट्टी में बसती है, अभी भी पगडंडियों पर बसती है, अभी भी बिना रास्ता के और बिना विकास के बसती है। तो फिर आप बताइए देश की विकास कहाँ बसती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताने का काम कीजिएगा। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, आप जरूर कमेंट करने का काम कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्या नाम है चाची? सीतविया देवी। सीतविया देवी, आपका घर गिरा हुआ है, कॉलोनी वगैरह ना मिला? कुछ न मिलो, खाली गावा तो बहुत लेवे लगा और इसे ले जा तो। तो ये कौन सा गांव है? ये गांव ना मैंने याधन खब हमें घर गुलर ये चकनिया पाही है। कौन पंचायत में पड़ा है? अथी ये मुखी बना जितला तुमने। क्या जी नाम है? कोची नाम है मुखी बा कैसे ना जाने थे ना, जो भी हो है कि नहीं जान रहे हैं, नहीं जान रहे नहीं, हमको दिखाने का ये मकसद है कि इनका घर देखिएगा तो बिल्कुल पीछे से फट रहा है, गिर रहा है और दीवार पीछे से हो सकता है इस बार भी भरक जाता, लेकिन संयोग से इनका कर्म की कमाई था कि अभी बचा हुआ है, नहीं तो कभी भी ये दीवार गिर जाएगा और गिरने के बाद इसमें चप के मर सकती है। तो ये पूरे परिवार इसी में रहते हैं और यहाँ पर नहीं तो मुख्यमंत्री आवास योजना मिला, नहीं तो प्रधानमंत्री आवास योजना मिला। और सरकार दावा करती है, चाहे बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार, कि हमने गरीबों को आवास देने का काम किया, लेकिन आवास क्या है और क्या विकास है हम आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। हो सकता है कि ओठ पर ओठ लाली हो लेकिन पैर में जो ब्यार है वो देखने का काम कोई नहीं करता है। मैं वो पैर दिखा रहा हूँ जहाँ पर ब्यार फटा हुआ है, जहाँ पर कमी है, जहाँ पर मलहम की जरूरत है, जहाँ पर मर्म की जरूरत है, लेकिन वहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। आइए हम आपको अंदर से भी दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए घरेलू बिल्ली है और ये बिल्लियाँ आराम से चल रही है, हम तो छुएंगे नहीं, चुके एक बार कुत्ता काटा दोबारा हिम्मत नहीं करता छुए के। ये घर है आप देख सकते हैं, इसी घर में रहती हैं चाची। कितने लोग रहते हैं चाची? ये देखिए भूसा घर है, समझे? और ये भूसा घर जो है ये भी बिल्कुल जर्जर स्थिति में है, हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए यही है जो अंदर से भी फटा हुआ है, ऊपर से भी आसमान लुक रहा है, यानी कहीं ना कहीं बरसात के समय में इसमें पानी छूता ही होगा और चूहे है ना, पानी चूता है और इनका गवत भी खराब होगा जानवर को खिलाने के लिए। और ये देखेंगे तो ये इस घर में रहती हैं। लाइन वगैरह नहीं यहाँ पर है? अच्छा लाइन है, देखिए लाइन तो आ गया है, लाइन के लिए शिकायत नहीं है। बिहार सरकार एक अच्छा पहल की है कि आप एक झोपड़ी तक लाइन पहुंचाने का काम की, लेकिन स्मार्ट मीटर लगा करके लोगों को कहीं न कहीं लाइन से वंचित भी करने का काम करे, चूंकि ये बूढ़ी माँ है, यहाँ पर रिचार्ज भी तो नहीं कर पाएंगी। हो सकता है इनके यहाँ परिवार के सदस्य हो, ये चरपाई है, इस चरपाई पर सोती पड़ती रहती है और इस चरपाई के अलावा चौकी भी हमको नहीं दिख रहा है। चौकी भी है चाची? नहीं है। तो क्या गरीबी है, क्या हालत है आप खुद देख सकते हैं, सामने शूटिंग हो रहा है, आप उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये स्थिति है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मैसेज है कि आप आन करके कम से कम ऐसे ऐसे इलाकों को देखिए। और जो सुदूरवर्ती इलाका है, कहा गया है कि से देश की आत्मा गांवों में बसती है। तो गांव की जो बस्ती है, जो अभी भी मिट्टी में बसती है, अभी भी पगडंडियों पर बसती है, अभी भी बिना रास्ता के और बिना विकास के बसती है। तो फिर आप बताइए देश की विकास कहाँ बसती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताने का काम कीजिएगा। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, आप जरूर कमेंट करने का काम कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।